मेरे ब्रदर की दुल्हन से इन्होंने अपने लिए एक सेफ जगह बना ली बॉलीवुड में और अब दूसरी फिल्म लेकर आए हैं। मैं बात कर रहा हूं डायरेक्टर अल्ली अब्बास जफर की, जिनकी गुंडे इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है। तो आइए पहले उन्हें वेलकम करते हैं और फिर बातें करते हैं। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू वेरी मच। पहली फिल्म अगर सक्सेसफुल हो जाए तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है डायरेक्टर में, आप में भी कॉन्फिडेंस आ गया? मुझे लगता है मैं थोड़ा ज्यादा नर्वस हो गया था। अच्छा, सक्सेस के बाद क्या रे, ये क्या हो गया? एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपकी तरफ। पहली पिक्चर एनी विच वे अगर चल जाती है तो लोग बोलते हैं हाँ पहली पिक्चर थी, चल गई, अच्छी बात है। नहीं चलती तो एक आपके पास बहाना होता है कि ये तो पहली फिल्म थी। बट या आई थिंक डेफिनेटली जब आपका काम लोगों को पसंद आता है तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये है कि जहां आप जो आपकी सोच है वो कहीं ना कहीं लोगों को जाकर लग रही है, उन्हें समझ आ रही है, एक सेंसिबिलिटी होती है। और बिकॉज फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट कम्युनिकेटिंग, यू नो, आप जो सोचते हैं वो जब ऑडियंस तक पहुंचता है तो क्या वो लोग उसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, उसी के ऊपर फिल्म चलती है या नहीं चलती है सब डिसाइड होता है। आई थिंक व्हेन फर्स्ट फिल्म वर्क्ड आई वाज हैप्पी एंड आई सेड नाउ I should be little more nervous to make a second film rather than being confident about it. तो इस फिल्म में ज्यादा डर लगा बनाते वक्त या उस फिल्म में? Actually दोनों बहुत अलग फिल्में हैं, but दोनों की जो एक खास बात है वो ये है कि दोनों ही बहुत mainstream फिल्में थी। मेरे ब्रदर की दुल्हन भी बहुत mainstream थी, गुंडे भी बहुत mainstream है, but गुंडे ड्रामा है। There is comedy, there is dance, there is action, but predominantly गुंडे is a drama. मेरे ब्रदर की दुल्हन दैट वाज अ वेरी लाइट हार्टेड रोम कॉम। जो डर इस बात का लगा कि मैं एक बिल्कुल ही नई जमीन पर खेल रहा था इस बार, यू नो, और वो ही एक अच्छी बात भी है बिकॉज आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर दैट डायरेक्टर फिल्म बनाते टाइम थोड़ा सा डरे, नर्वस रहे, क्योंकि उससे ही जस्ट कीप्स हिमसेल्फ लिटिल मोर बैलेंस्ड। ओवर कॉन्फिडेंस में कई बार गलतियां हो जाती हैं। आपने कहा कि दोनों बहुत ही अलग किस्म की फिल्में हैं, लेकिन टू एन आउटसाइडर गुंडे देखने से पहले सडनली सिमिलैरिटी ये लगती है कि मेरे ब्रदर की दुल्हन में भी दो हीरोज थे, एक हीरोइन थी, इसमें भी गुंडे में भी दो हीरोज हैं, एक हीरोइन है, ऐसा क्यों? मतलब आर यू फैसिनेटेड बाय टू हीरोज एंड वन हीरोइन और समथिंग लाइक दैट? मोर देन दैट आई थिंक व्हाट आई एम फैसिनेटेड अबाउट इज एंसेंबल कास्ट। मुझे लगता है कि आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ, जब मैं यू नो बच्चा था तो मुझे मल्टी स्टारर फिल्में बहुत पसंद थी। यू नो, जब आप फिल्म सेट पे हो और आपके पास चार पांच एक्टर हमेशा हो तो आपको एक 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 अलग ही तरह का एनवायरनमेंट होता है, यू नो। एंड जो मेरी ब्रदर की दुल्हन में भी देखें और गुंडे में देखें, दोनों लड़के जो है वो हम सब ऑलमोस्ट एक ही उम्र के हैं, सो देर इज अ सेंस ऑफ लेट्स मेक अ फिल्म टुगेदर। यू नो, देर इज नेवर अ हायरार्की ऑफ अ डायरेक्टर एंड एन एक्टर। यू नो, आई हैव नॉट वर्क विद रियली सीनियर एक्टर्स। इरफान सर इज डेफिनेटली सीरियस एंड ही इज देयर इन द फिल्म, बट फिर भी एक वो होता है ना कि एक मल्टी स्टारर फिल्म की बात ही अलग होती है कि मतलब हर कैरेक्टर का एक ट्रैक चलता है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले विद। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड गुंडे इज नॉट, व्हेन यू सी द फिल्म, इट्स नॉट प्रिडोमिनेंटली अ ट्रायंगल, इट्स मच मोर अ ड्रामा इन दैट सेंस। एंड देर एवरी वन हैज एन इंडिविजुअल ट्रैक। मल्टी स्टार कास्ट फिल्म में दो हीरोइन और दो हीरो भी हो सकते हैं या दो हीरोइन और एक हीरो भी हो सकता है, वो क्यों नहीं दिमाग में आता है? आई थिंक बात क्या होती है ना कि जब हल्का सा इक्विलिब्रियम थोड़ा शेकी होता है तो एज एन ऑडियंस आप में और एज अ डायरेक्टर एंजाइटी ज्यादा होती है कि किसको मिलेगी, क्या होगा, किस तरफ जाके ऊंट बैठेगा, तो वो आई थिंक इट्स ऑलवेज इजियर टू राइट इट दैट वे। यू नो, यू ऑलरेडी नो दैट यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट ऑन पेपर, नाउ हाउ बेटर कैन यू राइट इट, हाउ कैन यू प्रोजेक्ट इट इज वेयर द क्राफ्ट एज अ डायरेक्टर एंड अ डायरेक्टर कम्स। इस फिल्म की कास्टिंग अनोखी है, हाउ डिड यू गो अबाउट द कास्टिंग? एक्चुअली सब कुछ शुरू हुआ स्टोरी से। जब ब्रदर की दुल्हन बनाई उसके बाद व्हेन आई टुक आदि द सेकंड स्टोरी, ओके, एंड आदि टोल्ड मी वन थिंग एंड ही सेड अली, यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट स्लोली द न्यूअर फिल्म मेकर्स आर नॉट ट्राइंग टू मेक मेनस्ट्रीम फिल्म्स। यू नो, एवरी फिल्म मेकर, इफ यू सी देयर आर वेरी फ्यू यंगर लॉट ऑफ फिल्म मेकर हु एक्चुअली ट्राई एंड मेक अ रियली मेनस्ट्रीम मसाला फिल्म। यू नो, somewhere down the line there is this new term that has come is multiplex. Let's make like an English kind of a multiplex film because that's a huge audience now. So he said that, you know, Brother Ki Dulhan was one of those films which had Katrina, but Imran and all are younger stars, Imran, Katrina and Ali, but the kind of business that the film did at box office, it went into single screens.
you know, some people who watched it in a single screen also liked the film. So he told me, Ali, that, you know, as a director, somewhere your strength lies in something where you can reach to an audience of single screen as well as multiplex. So he said that, why don't you try and write a story which is about something which is more universal and is treated in a way where you could bridge a multiplex and a single screen. And then I started writing a film which from the first day I called Gunde. And when I basically wrote few lines before I pitched the film. And as soon as I told him that I want, like, I'm calling the film Gunde, so he called and he said, "Sabse pehle check karo ye title hai ya nahi hai." Because he loved the title. And there's a nice ring to it. And so luckily we were fortunate enough that ye wo title mil gaya. Wo mil gaya title. Wo abhi tak kisi ne comment word hai, magar kisi ne socha nahi tha. We got the title. And then I started telling him that the main story is about the friendship of two boys. And when I wrote the script, the roles on the paper were very equally poised. Do ladko ke role shuru se end tak barabar hai. It's jise kehte hain inherently do hero ki kahani hai. Jo mujhe lagta hai last time bahut pehle agar humne kabhi dekhi hogi to Karan Arjun mein dekhi hogi na drama space ke jahan aap do characters ko saath baith ke agar narrate kare to koi bhi ye nahi bol sakta ki iska role mere se zyada hai. So that is how the script came together, and it was then his idea, because he said that, you know, the trick of this film would be, because inherently it has such a strong soul of older times and the way that you have mounted it in terms of script, that you get really two young guys who makes it fresh. You know, if a same story you make it with actors who have already done those roles, people will say, "Yaar, ye dekha hua hai." Dekha hua. The good thing, like, I think what people are reacting to the promos and they say, yeah, it's looking fresh, it's looking vibrant, the energy is outstanding. It's because Arjun and Ranveer has brought so much of freshness to, you know, when two guys running on top of a train or right next to a train with that little bit of body showing, it feels ke yaar inme baat purani hai lekin ye dikh nahi rahe. And that was the idea to put it together. And when the whole idea of that, the conflict point is ke dono ek time pe agar ek hi ladki se pyar karenge aur unhe saath baith ke bol denge ki hum pyar karte hain aapse, then the girl needs to be so fallen in love kind of a girl that people believe it, you know. Correct. Also, the film is set in the heartland of Calcutta, where the skin has a certain texture, where a girl looks a certain way. She is a cabaret dancer, and Calcutta in 17 and 80s were known for his cabarets. You know, the troops used to come from France and all to perform. So a girl who can carry the beauty of a cabaret dancer, where she looks modern, to log bolein ki yaar kitni modern hai. और जब उसे देखें कि वो एक साड़ी में बाहर निकलती है तो लोग बोले यार इस लड़की को तो मैं अपना घर शादी करके ले जाना चाहता हूं। सो टू ब्रिज दैट काइंड ऑफ एन एक्सट्रीम देयर वाज नो बेटर गर्ल देन प्रियंका एंड आल्सो देयर इज अ सर्टेन काइंड्स ऑफ अर्दी परफॉर्मेंस दैट दैट कैरेक्टर रिक्वायर्स यू नो एंड कम्स आउट बिकॉज इट्स इक्वली पॉइज्ड इन टर्म्स ऑफ द गर्ल द बॉयज एंड इरफान. So the three came from there. And Irfan sir, you know, there is no, like, anyone for any director to work with him today is like, I will learn from you kind of, in effect. And I worked with him in New York when I was an assistant. He was New York film. New York as a film. And उस टाइम पे मेरी उनकी बहुत बनती थी और वो मुझसे बोलते थे, अली जब तू डायरेक्टर बनेगा तो पक्का काम करेंगे, पक्का काम करेंगे, पक्का काम करेंगे. तो जब गुंडे मैंने लिखी, आई रिमेम्बर उस टाइम ही वाज जस्ट आउट ऑफ पान सिंह तोमर, एंड पान सिंह तोमर क्रिटिकली बिकेम सच अ बिग फिल्म. सो आई टोल्ड हिम कि आई हैव समथिंग सर, प्लीज रीड इट. सो आई वेंट मेट हिम, ही रेड द स्क्रिप्ट एंड ही सेड यार बहुत अच्छा है, लेट्स डू इट. So I think I was fortunate. I think it's been fortunate even for my first film, this film, that all the dream cast that I wanted came on board, and today it looks like good day. Jaisa aapne kaha ki is kisam ki kahani aayi hai, humne dekhi hai, two boys one girl, to isme nayapan aap log kaise late hain? Actually jo sabse important cheez hai ki iski kahani bahut nayi hai. और वो कहानी इस तरह की कि इसमें खुशबू जरूर पुराने वक्त की होगी लेकिन कहानी बहुत नहीं है. देखिए जो मेरा सबसे क्लोज सिनेमा मेरे रहा है वो 70s का रहा है. आई थिंक 70s की जो मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्में थी वो सिर्फ कमर्शियल फिल्में नहीं थी, उनमें एक कॉन्टेक्स्ट था, एक मुद्दा था. अगर आप दीवार उठा के देखें, अगर आप मशाल उठा के देखें, काला पत्थर देखें, या इवन फॉर दैट मैटर शोले को देखें, देर इज अ रीजन देयर. What Gunde has is a reason. There is a cause attached to it. It's a story about two refugee boys who post 1971 war come into Calcutta.
एंड हमें पता है 71 की लड़ाई के बाद हिंदुस्तानी मूल के बहुत सारे लोग बांग्लादेश में थे जो माइग्रेट करके कलकत्ता आए और वो अभी भी कलकत्ता में रेफ्यूजी कॉलोनीज में रहते हैं। तो जो बच्चे जो कि गलत काम की तरफ जाएंगे उनको एक रीजन देना बहुत जरूरी था कि वो किस वजह से गलत जाते हैं। तो हम कहीं गुंडागर्दी को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गुंडे ये हीरो हैं। द आइडिया इज दैट कि क्यों लोग गलत जा रहे हैं और उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है और जब वो गलत जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है। सो बेसिकली इट्स अ ड्रामा विच विल टेल यू द स्टोरीज ऑफ दीज टू लिटिल किड्स। शुरू के 15 मिनट पिक्चर के बचपना है, इनके बचपना है, जहां दिखाया जाता है कि जब वॉर हुई तो उस रेफ्यूजी कैंप का क्या हाल था, फिर इन्होंने किस तरह से अपना काम करना शुरू करा, कब पहले कोयला चुराया, ऑल दैट इज द प्रोलॉग ऑफ द फिल्म एंड दैट समवेयर डाउन द लाइन सेट्स यू अप फॉर द फिल्म दैट यू हैव कम टू वॉच। सो इट इज नॉट के अच्छा चलिए कमर्शियल मसाला फिल्म बनानी है तो हम आइटम रख देते हैं कि एक आइटम ऐसा होगा, एक आइटम ऐसा होगा, एक एक्शन होगा, एक कैमरे नंबर भी होगा। तो एवरीथिंग देयर हैज वेरी मच वॉट एवर दैट वॉज हैपनिंग इन दैट टाइम विद द कैरेक्टर्स हु वुड हैव कम फ्रॉम दैट टाइम एंड आई बिलीव दैट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फिल्म इज स्टोरी। अच्छा, देयर इज अ स्टोरी वेयर यू विल फाइंड के यार इसमें इसमें कुछ कुछ बीट्स जो है वो बहुत नहीं है। You know, for the, like, हमने जैसे हमेशा लव ट्राइंगल में देखा है कि एक हीरो होता है तो उसे पता चलता है मेरा दोस्त भी इसी लड़की से प्यार करता तो वो पीछे चला जाता है, वो कहता है नहीं यार मुझे अपने दोस्त को लड़की दे। यहां दोनों लड़के साथ बैठ के लड़की को बोलते हैं हम दोनों आपसे प्यार करते हैं और ये हमारा प्रॉब्लम है, अब आप सॉल्व करिए। तो इट्स टू डू विद दीज लिटिल स्मॉल थिंग्स, यू नो, यूजुअली जब व्हेनेवर वी सी अ फिल्म लाइक दिस वी से कि यार ऐसा थोड़ी होगा, बट हियर दे आर लाइक दैट बिकॉज सिंस चाइल्डहुड दे हैव बीन लाइक दैट। सो इस तरह की फिल्में, इस तरह की वो कहानी है फिल्म के अंदर जो कि मुझे लगता है कि आज का यूथ जिससे बहुत रिलेट करेगा। और कोलकाता ही क्यों? दो रीजंस थे उसके। पहली बात तो बिकॉज कलकत्ता स्क्रिप्ट वाइज सेट्स द पीरियड वेरी करेक्टली बिकॉज जो ये पूरा चैप्टर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वहां कलकत्ता में उस टाइम इस चीज को लेके बहुत दिक्कत थी। ठीक है, बहुत से हिंदुस्तानियों को भी ये प्रॉब्लम था कि यार इतने शरणार्थी आ रहे हैं, हम खुद नहीं है तो इनको कैसे करेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस टू फॉर द सेट द फिल्म देयर। ऑल्सो कलकत्ता ऑलवेज कल्चरली हैज बीन द आर्ट कैपिटल ऑफ द कंट्री, यू नो। सो वहां का जिस तरह का लहजा है, दुर्गा पूजा है, यू नो, जहां फिल्म सेट है, जहां विक्रम और बाला रहते हैं वो ठीक हावड़ा ब्रिज के नीचे रहते हैं जो कि जिंदगी से भरी हुई जगह है, मतलब जहां पसीना है, जहां मेहनत है। और क्योंकि ये दोनों शुरू इस तरह से करते हैं कि आपको पता लगता है कि यार इन्होंने जहां शुरू करा था और ये जहां पहुंच गए क्या इनकी फ्लाइट है, यू नो, किस तरह की इनकी ग्रोथ हुई है। तो इट्स अ वेरी पीपल्स फिल्म इन दैट वे, मतलब एक जो आम इंसान है ना वो इनकी मेहनत को देख के रिलेट कर पाएगा कि यार जिंदगी ऐसी जी जाती है, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद ही आपको कुछ मिलता है। दैट इज वाई कलकत्ता। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक वॉट इज वेरी नाइस इज इन कलकत्ता, विच इज माई फेवरेट पार्ट ऑफ कलकत्ता, इज दैट कलकत्ता इज स्टिल स्टक इन टाइम, यू नो। आज भी आप कलकत्ता जाएं तो ट्रैम देखें या उनका ओल्ड आर्किटेक्चर देखें या जिस तरह से वो चाय भी रोड के, वो तो आपको अभी भी लगेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कलोनियल हैंगओवर है, 70s 80s आराम से चीजें चल रही हैं। तो उन्होंने अपना कल्चर एक बहुत ही अच्छी तरह से प्रिजर्व करके रखा हुआ, विच इज द बेस्ट पार्ट देयर। एंड आई थिंक ऑल दोज थिंग्स लेंड मी टू गेट फैसिनेटेड टू कलकत्ता एंड राइट द स्टोरी देयर। तो कितनी फिल्म कलकत्ता में शूट की है आपने और कितनी कलकत्ता के बाहर? पूरी फिल्म जो सेट है वो कलकत्ता और धनबाद में सेट है। धनबाद क्योंकि ये कोयले से डील करते हैं, धनबाद इज द कोल कैपिटल और वहां कोल की खदानें। और मेजर पार्ट 70% ऑफ द फिल्म इज सेट इन कलकत्ता, 30% इन धनबाद। और शूट हम वी वेंट देयर फॉर 2 मंथ्स कलकत्ता, 2 महीने वी वर देयर। एंड इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू इज दैट अनुराग बासु जो डायरेक्टर हैं बर्फी के, जब उन्हें पता लगा मैं कलकत्ता फिल्म शूट करने जा रहा हूँ, सो ही शॉट बर्फी देयर एंड ही शॉट देयर फॉर 12 डेज। सो ही वाज द फर्स्ट थिंग, सो ही सेड, मैंने सुना तू कलकत्ता पिक्चर शूट करने जा रहा है, मैंने कहा हाँ सर जा रहा हूँ। बोला कितने दिन कर रहा है? तो मैंने कहा सर मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। बोला पागल है, 2 महीने कलकत्ता जाएगा? बिकॉज कलकत्ता ना इट्स देर इज अ सर्टन स्विंग टू द सिटी, यू नो, इट्स लेड बैक, इट्स
सब चीजें आराम से होती हैं। तो लगा दो महीने क्या करने जाएगा तू? सर मैं 15-13 दिन में भाग आया, तू देख तू 10 दिन में भाग आएगा। मैंने कहा नहीं सर, मुझे पूरी पिक्चर कलकत्ता में बनानी, देयर इज अ सर्टेन लुक टू इट। ही सेड देख तू 20 दिन में भागेगा तू वहां से, मैं तुझे बता सकता। बट फॉर्चुनेटली आई थिंक वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइन प्रोड्यूसर देयर, अरिंदम सिल, हु इज रियली हेल्प्ड अस विद एवरीथिंग, ऑल द परमिशंस। दे आर ऑल्सो प्रमोटिंग कलकत्ता बिग टाइम इन टर्म्स ऑफ लोकेशन, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ब्यूटिफुल। द होल बंगाल गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी के तौर पर मिला, सपोर्ट बहुत मिला इन टर्म्स ऑफ, नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स बट इन टर्म्स ऑफ द पुलिस परमिशंस। लाइक नो वन इज एवर शॉट ऑन हावड़ा ब्रिज। आई थिंक लास्ट फिल्म दैट वाज शॉट ऑन हावड़ा ब्रिज वाज हावड़ा ब्रिज इटसेल्फ। एंड अच्छा, इतने सालों बाद आपकी फिल्म, अच्छा तो ये शूटिंग परमिशन मिलना बहुत आसान था? बहुत मुश्किल था जो उन्होंने हमारे लिए करके दिया, एंड दैट इज व्हाई आई एम थैंकफुल टू द Calcutta government and the police department, everyone, they phenomenally supported the film. Mm-hmm. And they're proud of it today because the scale of the film actually, and the way Gunde is shot in Calcutta is not shot in the popular places. Like I've gone to Alipur dock, which is a 200-year-old dock. No one has ever shot on that dock. And when you see that dock, you will see it's so beautiful, fascinating, the yards, the way the British made the dock, you know, and Calcutta, people don't relate to Calcutta as a big port city, but it is actually one of the biggest ports. People think Bombay or Cochin is a big port, but Calcutta is a huge port. And in 80s, Calcutta was a hub of smuggling, you know, from the timber that used to come from Burma, Hilsa fish, kerosene, LPG, a lot of black marketing and smuggling used to happen. And when you go there and when you talk to people, you understand that this city is brimming with great stories, you know. It has such great culture, it has great stories. Correct. Fascination of, you know, like even what Bikram and Bala do in the film, which is wagon breaking, ke chalti malgaadiyon se log koila churate hain. And this is how Bikram and Bala start, you know. Wo aise chota chota koila churana shuru karte hain aur phir unki kya journey hoti hai, wahan se gunde start hoti hai. You have conceived it also in that way, on the cinema, based on the cinema you have grown up on? Yeah, that was the idea. The idea was, see, you know, I personally think that the most important thing that any film needs to do is to entertain. Entertainment factor, aapko hamesha dimag mein rakhna padega ke jo aadmi ticket window ke upar 100 rupaye, 50 rupaye, 200 rupaye ka ticket de raha hai, jab wo theater mein aake baithe, to usse ye lage ke yaar jo mujhe promise kiya tha, mujhe wo mila. And I've always been a fan of entertaining cinema. And I love unabashedly commercial cinema. Like, right. मुझे लगता है कि अगर हीरो है तो उसकी एंट्री होनी चाहिए. That is how I feel. And I might be wrong, there are certain films which doesn't require, but a film like Gunde allows you to do that. You know, वो शुरू भी होता है कि दो छोटे छोटे पैर भाग रहे हैं और suddenly एक बड़ा पैर आता है, you know, and then you suddenly see biceps आती हैं, then suddenly see धुएं के through दो लड़के निकलते हुए आते हैं. I have loved that as a child, and I always felt this is how a hero should be. You know, if I'm watching a film in a theater, there should be a little difference between me and him. The hero. Yes, I should always feel that I want to be like him. Correct. Aspirational hona zaruri. Aspirational hona zaruri hai, and I think that is what all the three big khans stand for. Like they are aspirational for every young person. Correct. And the idea is to mount these two boys to make them feel like that, you know, or an audience when see them say, yaar ye young hai but yaar inme kuch baat hai, inme kuch alag cheez hai jo inko alag kar rahi hai. And that is why the line in the film is ki inke tevar alag hai, matlab the style that they have is different. And that is what predominantly Gunde is. It's been told in a way which will entertain you. Aapki pehli film Mere Brother Ki Dulhan box office par chal gayi, acha business kiya. So did that really help in formulating the budget for this film? Ki ye film bhi Yash Raj Films ke banner tale bani hai. So did that help? Yeah, definitely. See, first of all, I think you can't have a better producer than Adi Chopra. Mm-hmm. And the best thing about that is because he himself is a director. So, jab Brother Ki Dulhan chali, he was happy the way the film turned out at box office. Obviously, it gives him also more trust in you. And he says that, yeah, if he says something or if he's promised something on a script, he will require a certain amount of budget to fulfill that. And that way, Gunde was very demanding on script, you know, because it's a first Yash Raj period film that way. And it requires a certain amount of infrastructure because 25-30% of the film is only on coal trains, you know, and to railway permissions and to create steam engines, you know, to have permission of railways for over 22-25 days, and every day cost
a bomb, you know. So the good thing with Adi is that for the first time when he read the script and he said, "Ye banani," and I said, "What do you think? You like it?" He said, "I love the script." So I looked at him and he first time smiled and says, "Chal, badi picture banate hain." Wow. So the whole idea of badi picture banate hain came from him. Because he saw it on the script that, yaar, ye picture main contained budget pe nahi bana paunga. Technology has increased so much over last 10 years that the way the camera equipment you have, the so-called CGI, computer generated imagery technology that you have is improved so much that all that requires a certain amount of money. If you have to make it look a certain way, you have to spend money. Varna it will, your product will look substandard. Substandard, exactly. Ali bhai, mujhe ye bataiye ki business figures par aap kitna dhyan dete hain? What I believe is that business is the most important part of the game. Because I only think that a director is only answerable to the producer. Sahi baat hai. Audience definitely will give him a lot of respect and it's his duty that what he promised to an audience, he has to deliver. But he has only one person who's trusting him, which is who's with putting all the money. So it's his responsibility that he gets that person's money back to him. By the end of it, a film belongs to a producer. Sahi baat hai. He needs to make money out of it because that is how the industry grows. You know, when there is a money turnaround that happens in the industry, you always get more work. People are happy. So I think that's a very important part of the business and you can never negate it. And I hope that, you know, whether it's Gunde or even the films that I make later, try and make money with the producer. So money matters ki agar baat karte hain, toh first day aap kya sochte hain, ye film ko kitna karna chahiye? What are the figures you are looking at? I think we are looking at something which definitely will take the film to a decent figure. Then rest all you have to tell. Chaliye, thank you so much for being on the show. Mujhe to pura bharosa hai ki ye film jam ke shuruaat legi. 13, 14, shayad 15, 16 crore bhi ho sakte hain pehle din ke, because wo craze ban chuka hai. So we are looking at a weekend of maybe 45 or 50 crore also. Here's wishing you the very best. Thank you very much. तो दोस्तों ये थे अली अब्बास जफर. इनकी फिल्म गुंडे इस शुक्रवार को रिलीज हो रही है एंड सबसे अच्छी बात ये है कि इस फिल्म के साथ कोई और बड़ी फिल्म या छोटी फिल्म रिलीज नहीं हो रही. सो एवरीबॉडी इज गोइंग टू हेड टू अ सिनेमा स्क्रीनिंग गुंडे. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही. हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@zeenetwork.com. And if you have any questions relating to the world of cinema, to uthaiye apna mobile phone, type kijiye BBiz, space chhodiye, type kijiye apna pura sawal, space chhodkar apna naam type karke bhejiye 575751. You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahta, bidding you goodbye.